मैं हूं सानिया अजीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने 1992 के दंगों के एक मामले में वांटेड चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 47 साल का ये आरोपी पिछले 18 साल से फरार था। इस आरोपी का नाम तब्रेज मंसूर है। आरोपी को मुंबई के गोरेगांव से गिरफ्तार किया गया है। ये 2004 में अदालत से भाग निकला था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को प्लान बनाकर जाल बिछाया, जिसके बाद आरोपी को वेस्ट उपनगरी क्षेत्र में मलाड़ में डिंडोशी बस डेपो के पास धर दबोचा गया। सुनिए इस मामले में पुलिस ने क्या जानकारी दी है। जो मुंबई में और डिंडोशी पुलिस स्टेशन आदि में जो राइट के बहुत सारे किस्से होते, वहाँ पे ये गुना था। वहाँ पे यहाँ पे 307, 353, 337 ऐसे कलम लगाए थे और इसमें 9 आरोपी को अरेस्ट किए थे। उसमें 2004 में ये आरोपी के ऊपर जाहिरनामा निकला था, प्रोक्लेमेशन। ये कोर्ट के तारीख में हाजिर नहीं होता था इसके लिए, और उसके बाद में ये अभी 18 साल के बाद में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने ये जो आरोपी इसको अरेस्ट किया है, ये अपना नाम और अपना एड्रेस और चेंज बार बार चेंज करके अलग अलग एरिया में रहता था और अपना नाम भी बदली करता था। इसको इसके बारे में अपने स्कूल से भी जानकारी ली और हमारे सीसीटीवी के ऊपर इसके जो पहले का क्राइम है उसके आधार से ऊपर इसका जो रिकॉर्ड है वो और हमारे जो इंफॉर्मेशन मिली थी हमको कभी की तरफ से वो पूरा चेक करने के बाद में इसके बाद टाइम लगा के हमने इसको अरेस्ट किया। सर, ये अपने आप को छुपाता कैसे था? ये अपना नाम बदल के अलग अलग नाम से रहता था और अलग अलग एरिया में रहता था। कितने गुना इसके ऊपर पहले के? इसके ऊपर आप पहले के 10 गुने इसके ऊपर मौत है। इसमें मर्डर है, अटेम्प्ट मर्डर है, इसमें 307 है, 302 है और इसके पास से 3 बार दिबोशी पुलिस में फायर आर्म जमा किया है इसके पास से। सर, ये 92 का जो दंगा हुआ था इसमें इसका क्या रोल था, इसने क्या किस तरह का भूमिका निभाई? 92 के दंगे में 9 जो आरोपी अरेस्ट हुए इसके केस में, इसमें ये भी आरोपी शामिल था। इसने जान से मारने की कोशिश की थी, पुलिस को भी इसने अटैक किया था और ये केस में इसका महत्वपूर्ण का इसका रोल था। और ये कोर्ट के तारीख में जो सेशन कोर्ट में इसका चार्जशीट दायर किया था वो न जाते हुए ये फरार हो गया था। पिछले 18 सालों से मुंबई पुलिस को गुमराह करके ये बच रहा था। सर, मुंबई पुलिस ने किस तरह से इसे गिरफ्तार की, इसके बारे में हमारे पास जो सीसीटीवी का रिकॉर्ड था, स्कूल का रिकॉर्ड था, ये पूरा हम लोगों ने चेक किया, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की और इस आदमी को हमने ट्रैप लगा के इसको अरेस्ट किया। डिंडोशी पुलिस ने किस तरह से प्लान बनाया, किस तरह से गिरफ्तारी की? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के एडिशनल सीपी साहब वीरेंद्र मिश्र साहब, हमारे जोन 12 के डीसीपी स्मिता पाटिल मैडम, इन्होंने हर पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है कि ये फरारी और जो वांटेड एक्यूज है उनको जल्द से जल्द तपास करके अरेस्ट करो। यही ऐसी सूचना के अनुसार हमारी टीम बनाई है और PSI सौने, क्राइम PI कावड़े साहब और उनके जो फरार की जो टीम है, इन्होंने अलग अलग जो फरार आरोपी है इनके बारे में पूरी जानकारी लेना चालू किया है और जानकारी लेके इस आरोपी के बारे में पक्का पुख्ता जानकारी मिलने के बाद इस आरोपी को अरेस्ट किया है।